सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइप की ट्रेंडिंग रील्स बनाने के लिए हमको दो ऐप की जरूरत पड़ेंगी, एक है टर्बो वीपीएन ऐप करके एंड एक है कैपकट। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने टर्बो वीपीएन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे एक टैप टू कनेक्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है तो ये हमको वीपीएन से ऐड कर देगा। एंड अगर आप वीपीएन ऐप नहीं यूज़ करते हो तो कैपकट में आप अच्छे अच्छे फिल्टर्स नहीं यूज़ कर पाओगे। कैपकट को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करते ही न्यू प्रोजेक्ट पे एक ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, मैं आपको यही स्टार्टिंग की वीडियोस दे दूँगा, 2 सेकंड की जो ट्रेन वाली है, यहाँ से आप इसको ऐड कर लेना। एंड यहाँ से हम लोग अपने कुछ 10 फोटोज़ ऐड करेंगे, तो मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से अपने 10 फोटोज़। यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ ऐड हो चुकी हैं एंड यहाँ पर मैं कुछ 10 फोटोज़ ऐड किया हूँ। सबसे पहले आपको लास्ट में आ जाना है, लास्ट में आ जाने के बाद आपको यहाँ से ये डिलीट कर देना है एंडिंग पोर्शन। डिलीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऐड ऑडियो करके ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऐड ऑडियो क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके एक ऑप्शन है। एंड मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो। मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे क्लिक करते ही म्यूज़िक यहाँ से हम लोगों की एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे अपनी म्यूज़िक ऐड हो चुकी है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने म्यूज़िक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैच बीट करके एक ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग अपने म्यूज़िक में बीट ऐड करेंगे ताकि पता चले कि हमको अपने फ़ोटोज़ को कहाँ तक रखना है एंड कहाँ पे इफ़ेक्ट देना है। बीट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे एक साउंड ऊपर हो रही है, नीचे जो ऊपर वाली पार्ट है वो बीट होती है। तो आपको यहाँ उसी स्टेप से ऐड बीट ऑप्शन करके आपको क्लिक करके यहाँ पे ऐड बीट कर देना है। एंड सेम स्टेप आपको यहाँ पे भी कर देना है एंड यहाँ पे भी कर देंगे एंड इस जगह पे भी कर देंगे। तो कुछ स्टेप से हमारी 10 बीट्स हो चुकी हैं इस रील्स के लिए। एंड आपको इतना हो जाने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद हमको क्या करना है, अपने फ़ोटोज़ को अपनी ये जो सेंटर पार्ट है इसको स्ट्रेच कर लेना है। एंड स्ट्रेच करने के बाद हमको यहाँ से अपने फ़ोटो को कर लेना है क्रॉप। यहाँ तक एक बीट लग रही है तो यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। एंड इसके बाद ये पोर्शन हम लोगों को डिलीट कर देना है। एंड सेम स्टेप फॉलो करके आप हर एक जगह ऐसे सेम करना है आपको। स्प्लिट करके एक ऑप्शन आएगा, इसको चूज़ कर देना जो लास्ट पार्ट है। एंड यहाँ से डिलीट करके एक ऑप्शन आएगा, आपको डिलीट कर देना है। सेम आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है। कुछ इतना हो जाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ से बैक आ जाना है एंड यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट करके। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको 9:16 रेशियो चूज़ कर लेना है। एंड यहाँ से आपको सभी फ़ोटोज़ में जाके अपने फ़ोटोज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड तभी गैप है वहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है, इससे क्या होगा अपनी जो रील्स है फुल साइज़ में अपलोड होगी। तो आपको सेम सभी फ़ोटोज़ में करना है। कुछ इस टाइप से हो चुकी है एंड यहाँ से हम लोग अपने फ़ोटोज़ में अब यहाँ से इफ़ेक्ट देंगे। तो इफ़ेक्ट के लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोटोज़ में अपने फ़ोटो में क्लिक करना है। एंड क्लिक करते ही आपको एक एनिमेशन ऑप्शन करके है, यहाँ पे एक कॉम्बो करके ऑप्शन है। कॉम्बो में क्लिक करने के बाद हमको पेंडुलम यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिख जाते हैं, जैसे एक पेंडुलम 1 करके है। तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है एंड आपको इसका ड्यूरेशन फुल रखना है। एंड यहाँ पे हम लोग पेंडुलम 1 यूज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड नंबर पे फोटो पे आपको सेम स्टेप करके यहाँ पे पेंडुलम 2 यूज़ करना है। एंड आपको हर एक जगह सेम स्टेप फॉलो करके आपको यहाँ पे पेंडुलम फिर से 1 यूज़ करना है। एंड आगे वाले फ़ोटो में पेंडुलम 2 यूज़ करेंगे। तो आपको हर एक फ़ोटो में ऐसे इवन ऑड करके आपको कर लेना है। यहाँ पे अपनी वीडियो अब बन चुकी है, तो यहाँ से हम लोग एक बार वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से। तो अपनी वीडियो जब चल रही है, यहाँ पे लैग हो रहा है हल्का, बट आप अगर एक्सपोर्ट करते हो इसको तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद ये लैग नहीं करेगा। इस ऐप का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर लेंगे। एंड सेव करने के लिए हम यहाँ पर फ्रेम रेट 60 रखेंगे, इससे लैग नहीं होगा अपनी वीडियोज़। एंड रेजोल्यूशन 180 रखेंगे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।